अस्सलाम वालेकुम मिलियनेयर, मैं हूँ चाय वाला। मिलियनेयर देखो, मेरा काम है आपको शुरू करवाना बिजनेस। मिलियनेयर आप खुद बन जाओगे। बड़ा बड़ा पेड़ भी होता है, सेब का हो, अखरोट का हो, जिस चीज़ का भी हो, एक छोटे से अदने से दाने से शुरू होता है। उसको ज़मीन में बोया जाता है और फिर उसकी देखभाल की जाती है, और वो इतना सख्त मोटा बड़ा दरख्त बन जाता है कि एक तो फल भी देता रहता है, उसकी कई सौ साल जिंदगी होती है, और उसको बड़ी से बड़ी आंधी हिला नहीं सकती। तो मैं आज आपको ऐसे आइडियाज़ देने वाला हूँ जो 10,000 रुपये में शुरू किए जा सकते हैं। आप यंग हो, आपका बजट टाइट है, आप फॉरेन कंट्री में हो, वहाँ पे भी ये चीज़ चलेगी, समझ गए? सो आई प्रॉब्ली गिव यू अबाउट 25 आइडियाज़। इसमें से जो भी आप चाहो, उसमें इनोवेशन डालना चाहो, यू डू इट, अपने लिए उसको बनाओ। बट शर्त यह है कि आप कम से कम बिजनेस शुरू तो करो, समझ गए ना? सबसे पहले शुरू करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं जी, ओए ठहर, टकराव उतारते हैं ऐसे, विल से वन, और ये होंगी गुड्स जो फेस्टिवल्स पे बेची जाती हैं। ओके सो इसमें क्या कहते हैं, अपना 14 अगस्त कर लें, इलेक्शंस कर लें, झंडियाँ कर लें, और एक्चुअली झंडियाँ इज़ अ बेटर ऑप्शन, क्योंकि फिर वो मिलिट्री डेज भी आते हैं, 25 दिसंबर भी आता है, 14 अगस्त भी आता है, ये बार बार चीज़ें बिक सकती हैं। वो टोपियाँ झंडे वाली, वो झंडे खुद हो गए, शर्ट्स वगैरह एक्सेट्रा, ठीक है? सो दूसरी चीज़ होगी जी, रिमेंबर 10,000 के अंदर अंदर है। सो आइडियाज़ ऐसे ही हैं। वेइंग मशीन, ठीक है? वेइंग मशीन वो होती है ना अपना, यार आप इस पे खड़े हों, आपको पता चल जाएगा कि आपकी वेट कितनी है। ओके सो वो वेइंग मशीन, स्ट्रीट वेंडिंग की बात कर रहे हैं। तीसरी चीज़ में क्या होगा यार, स्ट्रीट फूड। अब वो होममेड फूड हो, शरबत हो, वट एवर, स्ट्रीट फूड। ओके स्ट्रीट फूड एंड प्लस ड्रिंक्स कर लें, इसमें कोई मैं खास स्पेशलाइजेशन नहीं कर रहा, सूप्स आप डाल दो, वट एवर, सर्दियों का ज़माना चल रहा है। ओके फिर मे बी आई गिव यू सम अदर आइडियाज़ जो ज़रा ज़्यादा स्पेशलाइज हैं। उसके बाद जी चौथे पे हम करेंगे रोज़ेस, या वैसे फूल। अब मैंने ना तकरीबन 2 हफ्ते पहले अपनी वाइफ के लिए एक सिंगल रोज़ ख़रीदा था, पिछले 4 दिन पहले मैंने अम्मी के लिए और अपनी वाइफ के लिए, वो जो नहीं होता वो 100-100 रुपये का लगाने वाला, वो रोज़ेस ख़रीदे थे। एक वो होती है स्टॉप होता है जहाँ पे चुंगी देते हैं, तरकी उसको बोलते हैं हम, ये जीटी रोड पे, वहाँ पे फिर जी ये अपना लोग जो फोत हो जाते हैं ईद से पहले, पता है रेड़ियाँ लगती हैं, गुलाब की पत्तियाँ, थिंग्स लाइक दैट। ओके तो वो आप कर लें। फिर हम अगर यार अगर स्ट्रीट फूड की बात की तो इसमें थोड़ी स्पेशलाइजेशन हम करें तो कर देते हैं जी चाय या कावा। अब मैंने, अगर आप मुझे टिकटॉक पे फॉलो करते हो तो एक चाय वाले भाईजान का जो थर्मोस लेके घूम रहे हैं, घरेलू समोसे उनके पीछे बैकपैक में पड़े हैं, वो बेच रहे हैं, 50 रुपये का कप बेच रहे हैं, उसमें 20-30% मार्जिन होता है, वो कर रहे हैं। और मैं उमूमन कहता हूँ कि यार सीरियन जो होते हैं ना अरब्स, वो कावा बेचते हैं, वो बड़े बड़े उन्होंने पीछे थर्मोस लगाए होते हैं और ऐसे डिस्पोजेबल कप्स बेचते हैं, लर्न फ्रॉम देम। अगर हम घरेलू यहाँ की देखें तो वी हैव गरम अंडा। अब इसमें लुक, मैंने बच्चे का एक इंटरव्यू किया था, 400-600 रुपया वो रोज़ के कमा रहा है। मैं एक और बच्चे को जानता हूँ जो दुबई प्लाज़ा अपना क्या कहते हैं पिंडी होता है, एंड ही मेक्स मोर देन 2,000 रुपीज़ पर डे गर्म अंडे बेच के। अब अगर उसी में आप इनोवेशन ले आओ जी, मेरे पास पटेर के अंडे हैं, मेरे पास बतख के अंडे हैं, मेरे पास यार ये नमक है, ये बसार है, एक्सेट्रा, तो यू कैन मेक मोर मनी, और ऑल ऑफ दीज आर अंडर 10,000 रुपीज़, याद रखिएगा। सातवीं चीज़ होगी जी ड्राई फ्रूट्स। अगेन अगर आप मुझे फॉलो करते हो ऑन टिकटॉक तो आपने एक मिलियनेयर भाईजान का मेरा वो छोटा सा देखा होगा, 1 मिनट का वीडियो लाहौर में, वो एक तो होता है बंदा जो खुले ड्राई फ्रूट्स बेचता है, ये भाईजान ना छोटे छोटे पैकेट्स 20-20 रुपए वाले बना के उन्होंने चिपकाए हुए एक डंडी पे, और आप जाते हो वहाँ पे उनको 100 रुपया दो और 4-5 पैकेट अपने उठा लीजिए, जो एक बादाम का दीजिएगा, इसका फलान का दीजिएगा, नारियल का दीजिएगा, एक्सेट्रा। वन यू मेक इट इन टू अ प्राइस छोटा ब्रैकेट तो आपके चांसेस बिकने के बढ़ जाते हैं, ये 10 रुपये का, ये 20 रुपये का, किलो के हिसाब से ना तो आपको कोई अप्रोच करेगा एंड आपकी सेल नहीं होगी। ओके एंड प्लस 10,000 के अंदर आप नहीं उतना बड़ा सेटअप खोल सकेंगे, तो यहाँ पे यू हैव एन अपॉर्चुनिटी टू स्टार्ट योर ओन ब्रांड एज वेल, ठीक है? तो फिर क्या करते हैं जी, विल गो आठवें पे। आठवें पे होंगी जी यार ये सन ग्लासेस नहीं होती, ये गड़ियाँ वगैरह। सो सन ग्लासेस, ये भाई जन का मैंने इंटरव्यू किया था इन इस्लामाबाद, 40,000 रुपये पर महीना ये कमा रहे हैं सन ग्लासेस में। ओके तो फिर करते हैं जी नवें पे टॉयज, वो भी बिकते हैं, बहुत बार खरीदे हैं बच्चों के लिए टॉयज, खिलौने। एंड इफ़ वी वर टू गो टू से यहाँ पे शुरू करते हैं जी दसवां, एंड वी विल से
पेंस, पेंसिल्स, अब ये दो जगह पे बेच सकते हो, चौक्स पे मैंने बहुत बार लिए, या एग्जामिनेशन सेंटर्स के बाहर अगर आप जाओ, यू कैन सेल देम देयर। फिर अगर हम करते हैं तो 11वें नंबर पे वी वुड से डोर टू डोर मोबाइल, क्या कहते हैं, कार वॉशर, इसको कार वॉशर यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है। आपको समझाया था एक आध और वीडियो में भी कि आप यार टाकी पकड़ो, बाल्टी पकड़ो एंड बस घर घर खटखटाओ जी, आपकी गाड़ी दो दूँ 250 रुपये के लिए एंड देन जस्ट डू इट, ओके, वो आपका बिजनेस बन जाता है। अगर हम करें फिर 12 नंबर पे तो यार दिस वुड बी इस्लामिक थिंग्स, मसल्ले, ठीक है, मसल्लाज आई थिंक हेज के साथ होता है। फिर जी अपना तस्बी इलेक्ट्रॉनिक वाली, वी कुड से दैट्स चीज़ जो बिकती है एंड सो फोर्थ एंड सो फोर्थ, ओके। ज़्यादा वो यानी पेपर पे मत जाइएगा, आजकल जितने लोगों ने कुरान पढ़ना शुरू कर दिया उन्होंने ऑन मोबाइल, तो उसमें ना जाएं, उसमें फिर वो बेहुनती की भी चीज़ होती है, बट मसल्ले, तस्बियाँ, कैप्स शेप्स कर लें, ठीक है। अच्छा फिर क्या करते हैं जी, यहाँ पे अगर इसके साथ मैं लाना चाहें यू कुड डू इतर, बट मैं क्या कहूँगा, परफ्यूम्स, वो रोल ऑन वाले नहीं होते, छोटी सी रोल ऑन होती है, माड़ी गोजा होता है, दो सेल रियली वेल, 200-250-300 रुपये की, एक आध आपको सैंपल रखनी पड़ेगी, चार्ट यार ये सूंघ लें, ये मैंने लगाई हुई है, डोंट गो इनटू टू मच वैरायटी, चार किस्म की रखें, उसमें मुनासिब फ़ायदा है, गो डू दैट इंशाल्लाह। फिर जी 14 नंबर पे अपना बलून पॉपिंग नहीं होता, ये तो गुब्बारे भर के बेच सकते हो, बड़े बड़े भाईजान गुब्बारे बेच रहे होते हैं वो कर सकते हो, फिर वो शरे वाली चीज़ होती है, एक गन मिल जाती है 5-6 हज़ार की, सेकंड हैंड 2-3 हज़ार की मिल जाएगी, वो बोर्ड सा होता है, छोटे छोटे गुब्बारे होते हैं, मैंने अपनी फैमिली को मरी में करवाया एंड बच्चे खुश हो जाते हैं, 10 शरे दो, गिव देम व्हाटएवर 100 रुपये के एक्सेट्रा, सो शूटिंग लिख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। फिर जी हो गई 15वें नंबर पे बंगे को क्या बोलते हैं हम, चूड़ियाँ, बैंगल्स, एंड अगेन कहाँ पे बेचोगे, जहाँ पे शादियाँ हो रही हैं, जहाँ पे आपको पता है यार ये मैरिज हॉल है वहाँ पे आपको जाना पड़ेगा, जहाँ पे आपको पता है बहुत सारे बाजार में ना क्या कहते हैं एंड स्पेशल ओकेजन एज वेल, ये क्या उसे कहते हैं हम, ईद के दिन जो पहले होता है, चांद रात है, सो फोर्थ एंड सो फोर्थ। 16वें नंबर पे होगा जी पॉपकॉर्न, ये आपको बताया यार इसमें मार्जिन ठीक ठाक है, क्या कहते हैं छोले, भुनी हुई छली, वट एवर थिंग्स लाइक दैट, या छोले हो गए। अपना 17वीं पे होगी गाड़ियों की एक्सेसरीज, राइट, इसमें जी होगा जी परफ्यूम कार्ड्स, वो नहीं होते परफ्यूम कार्ड्स, वो यार अपना फ़ोन होल्डर्स मैं ढूंढ रहा हूँ, नहीं मिला मुझे, ठीक है, मेरा तोड़ दिया किसी ने, फिर यार वो छोटा जो सिगरेट लाइटर में डालने के लिए केबल वायर्स होती हैं एक्सेट्रा स्टफ लाइक दैट। अच्छा जी 18वीं में होगा जी प्रिंटर, ठीक है, अब आपने क्या करना है यार, एक छोटा सा प्रिंटर ले लेना है और कचहरियों में जहाँ पे बिजी लोगों को यार एग्जामिनेशन हॉल्स या दूसरी तीसरी जगह पे यूनिवर्सिटीज़ के बाहर जहाँ पे स्टूडेंट्स को प्रिंटिंग करनी है, एंड आई नो 10,000 में नहीं आ सकता अच्छा काबिल किस्म का प्रिंटर या कंप्यूटर, लेकिन शायद आपके पास ही है, साथ सिर्फ आपको प्रिंटर लेना है कलर या क्या कहते हैं अपना ब्लैक एंड वाइट, एंड यू वॉन्ट टू ऑल्सो गेट, चलो 15,000 लगा देना, कोई नहीं, यहाँ पे थोड़ी एक्सेप्शन कर लेते हैं, प्रिंटिंग कर दो लोगों के लिए, ओके। 19वें पे हम करेंगे जी सैनिटाइज़र एंड मास्क, क्या कहते हैं 3-4 पे का आता है, मैंने एम्पोरियम के बाहर देखा है यार, क्योंकि वहाँ पे लोगों की मजबूरी होती है, अब उन्होंने मॉल के अंदर ही जाना है, वहाँ पे सारे के सारे 20 रुपये का एक बेच रहे हैं। आपका ये जो स्ट्रीट सेलिंग का फ़ायदा ये है कि आपने एक जगह तो टिकना नहीं है, जहाँ पे आपकी ज़्यादा बिक्री होती है वहाँ पे आपने जाना है, मे बी हर रोज़ आपको बदलना पड़े, मे बी मॉर्निंग कहीं तगड़ी एक जगह लगती है, शाम किसी और जगह तगड़ी लगती है, बट द मार्जिन इन दिस इज़ रियली गुड। सिंगल प्लाई, डबल प्लाई 3 रुपये का मिल जाता है, ट्रिपल प्लाई 5 रुपीज़ का मिल जाता है, जितनी तगड़ी चीज़ जितनी आपकी मर्जी 10 रुपये का तो आराम से बिक जाता है, ओके। सो और UK में लॉकडाउन लग चुका है, सो इट मीन्स के कोरोना फिर से आने वाली है, अल्लाह हैर करे, अब बिज़नेस अपॉर्चुनिटी आपके लिए अब भी है ज़िंदा। सर्दियाँ चल रही हैं, इसके लिए आप क्या बेच सकते हो यार, टिशू बेच सकते हो, ठीक है, टिशू, एंड अगर यार गर्मी हो तो फैंस, हैंड हेड फैंस, बंदा अड्डों पे बेचता है जहाँ पे बसें होती हैं, क्या कहते हैं भीड़ होती है, यू कुड डू दैट। 21वें अगर पे हम देखें तो यार ये अपना क्या होता है यार, कैप्स, ठीक है, नारे, ये नारे लिखना था, नारे, बनियाने, वेस्ट एक्सेट्रा,
ठीक है, बिकती हैं, वी ऑल बाय देम, सारे हम खरीदते हैं, इट्स अ गुड थिंग टू सेल। अपना 22वें पे यार, सॉरी 22वें पे प्लास्टिक क्रॉकरी मैंने ख़रीदी है। मैंने क्या ख़रीदा, पानी पीने वाली बोतलें और वो जो छोटी छोटी टब्स नहीं होते जिसमें यार आप सालन किसी को बेच सकते हो, सो आई वुड से प्लास्टिक क्रॉकरी। अब सी यहाँ पे लगती है, बट एलो क्रॉकरी हो गया। एंड अब वाकई अगर हम करें 23 की बात, तो शू पॉलिशिंग, ठीक है, इसमें जितनी अच्छी करोगे टिप्स भी तगड़े होते हैं एंड भूखे नहीं मरोगे। दी होल आइडिया इज कि इसमें कुछ इनोवेशन लाओ। गो चेक यार कि क्या मैं कर सकता हूँ शू पॉलिशिंग में जो बेहतर हो, लोकेशन बदलूँ, वट एवर। देयर स्ट्रेटजीज ऑन यूट्यूब ऑन हाउ टू बिकम अ गुड शू पॉलिशर, ठीक है, पैसे इसमें मैक्सिमाइज किस तरह करने हैं, सो डू दैट। अगर मैं कहूँ यार 24 पे, तो ये होगा जी कॉस्ट्यूम रेंटल। अगर आप क्या कहते हैं रहते हो ऐसी जगह जो कदीमी है, जो जो इलाकाई है एंड वहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं, तो आपने क्या करना है, ये कॉस्ट्यूम यार अपने पुराने को निकालो, फैमिली वाले कुछ डिफरेंट साइजेस के, लेडीज़ के, जेंट्स के, कुछ पग्गे हों, वट एवर लोग पहने। अब मैं तुर्की गया था तो वहाँ पे सब ना अर्थरूल के, वो उन्होंने अर्थरूल सब ड्रामा ज़्यादा उबूर पे था, तो उन्होंने वो सारा कुछ इकट्ठा किया हुआ, और हमारी पाकिस्तानी वहाँ मैंने इतनी देखी है, वहाँ पे किसी ने तलवार पकड़ी हुई है, किसी ने वो टोपी पहनी हुई है, उनके जैकेट्स वगैरह पहनी हुई है और तस्वीरें खींच रहे हैं उनके तख्तों पे बैठ के। एंड आई हैव मेड टू मैनी वीडियोस ऑन दिस। मरी पे भी बनाया था अबाउट 6 years ago या 5 years ago, 2015 में मैंने बताया था यार वहाँ पे सूखे फोटो मत खींचो, हर बंदे के पास आजकल मोबाइल है, सिर्फ कॉस्ट्यूम्स आप रेंट पे डालो, तो दैट्स अ रियली गुड ऑप्शन। 10,000 में मुनासिब किस्म का सिस्टम शुरू हो जाता है। अल्लाह आपको ज़्यादा उसमें तरक्की दे दें, यू कैन इवन हैव द स्टेजेस एंड अपने कैमरे भी। 25वीं चीज़ होगा जी अपना 25 यार, इसमें ना फेस पेंटिंग, ये PSL के मैचेस होते हैं ना स्टेडियम्स के बाहर, यू कैन डू फेस पेंटिंग अगेन। वो 14 अगस्त पे भी फेस पेंटिंग कर सकते हो, कितना जाता है यार, सब बस एक वो वाइट का चंडा अपना, वो चंद तारा ये वो, अल्लाह हर सलाह चार्ज 30 rupees, 50 rupees, 100 rupees, वॉट एवर जितना दा लगता है लगाओ इंशाल्लाह। एंड अगर मैं आपको कोई चीज़ दूँ इन 26 एज अ बोनस, एंड दैट वुड बी AC कवर्स। ओके, ये नया रुझान है, सर्दियों के लिए AC बंद हो रहे हैं, उनके लिए कवर्स डाल दो। या फिर यार वो मैंने वीडियो नहीं बनाया था, एक भाईजान है पेशावर के हैं, बट 10 lakh प्लस महीने कमाते हैं वो, यानी दो गोल से होते हैं फोम के, वो डोर स्टॉपर्स, दरवाजे के नीचे जाते हैं, उसमें वो हवा भी रोकते हैं क्योंकि अब सर्दी है, हवा आती है दरवाजे के नीचे से और गर्मियों में कीड़े आते हैं। सो आई वुड से इंसेक्ट डोर ब्लॉकर कर लो यार, जो भी करना है, कीड़े आई डोंट नो यार, चीज़ कर देते हैं चीज़, ठीक है, खाने वाली नहीं है। तो ये लो मिलियनेयर, दीज आर द थिंग्स जो मेरी तरफ से आपको आइडिया मैंने देखे थे देने थे। आई थिंक हर कंट्री में ये आइडियाज़ चल सकते हैं। फॉरेन में अगर आप भूखे मार रहे हो, धक्के खा रहे हो, डू दिस। ओके, वहाँ पे भी यार मसले तस्बीह मे बी माइट नॉट सेल, बट एवरीथिंग एल्स अगर आपको इजाज़त है, कानून आपको इजाज़त देता है, यू आर एन इलीगल इमिग्रेंट एंड धक्के खा रहे हो, चीज़ें बेचो, सेल फूड, सेल वरोजेस, अंत मार्जिन है इसमें, सेल आई डोंट नो क्या यार, मास्क बेचो वहाँ पे, व्हाट एल्स यार क्या बेच सकते हो, फेस पेंटिंग आप कर सकते हो विच इज़ हैज़ वेरी मिनिमल कॉस्ट, लेकिन यहाँ पे यार देखना ऐसा पेंट हो कि इंसान को नुकसान ना पहुँचे। फेस पेंट्स होते हैं आई थिंक नॉट अक्रेलिक, हाँ जो नॉर्मल अक्रेलिक पेंट होता है ना, दैट कैन वर्क ऑन फेसेस। ओके, तो वाटर बेस्ड पेंट्स वर्क रियली वेल। वेइंग मशीन, अब इसमें भी थोड़ी आपको फुर्ती दिखानी पड़ेगी, मे बी यू कैन हैव दोज जो यार चप्पलियाँ उतारते हैं तो आपकी वो BMI भी बता देती है, राइट, एंड समथिंग वो आपको एक पकड़नी पड़ती है चीज़। फ़ायदा उठाएं इन चीज़ों का, 23,000 में ये बिज़नेस शुरू होता है, ये आपकी इब्तदा है, ये आपकी इंतहा नहीं है। मैंने आपको सिर्फ वीडियो बना के इसलिए दिया ताकि आपके जो दिमाग के जूसेस हैं वो चल पड़ें और बाकी आपको खुद ही संभालना है। ओके, मेरी अगर तारीफ है तो आपको पता है, बाद में बार बार ये आपको याद करवाता हूँ, 53 rupees में मैंने कारोबार शुरू किया था 53 rupees में, फिर दरमियान में रेडियाँ लगाई थी 20,000 rupees की, पट्टे लगाए थे बल्कि, एंड देन 9 साल बाद अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने इतना इल्म दे दिया, इतना एक्सपीरियंस दे दिया, दैट आई बिकेम अ डॉलर मिलियनेयर 21 साल की उम्र में। शर्त क्या थी, जितनी जल्दी आप शुरू कर सकते हो ज़िंदगी में स्टार्ट करो, किसी बिजनेस को छोटा मत समझो, डोंट लिसन टू पीपल, फेल्ड लोग आपको कहेंगे ये क्या कर रहे, तेरी नाक कट जाएगी, ब्ला ब्ला ब्ला,
बार में वो जाएं, आप अपने घर से खाते हो एंड इंशाल्लाह एक दिन आएगा ठीक ठाक खाओगे, उनको भी खिलाओगे. ओके, सो पाकिस्तान जिंदाबाद, ना अपना ख्याल रखिएगा. टिल द नेक्स्ट वीडियो, अस्सलाम वालेकुम एंड द एंड.